बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां अहरोला थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। मृतक पति पत्नी के भतीजे शिवांश मौर्य ने थाना अध्यक्ष अहरोला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम पारा फुलवरिया निवासी शिवांश ने बताया कि 14 जून 2022 सुबह 10 बजे के करीब उसके चाचा चाची इंद्रपाल मौर्य और शकुंतला मौर्य शाहगंज दवा लेने के लिए गए थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो उन्हें चिंता होने लगी। तभी रात 8:47 पर चाचा इंद्रपाल से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वह बहुत मुसीबत में है। इस पर परिजन घबराकर थाने में पहुंचे और प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित परिजनों ने बताया कि इंद्रपाल मौर्य का मकरंदा सिंह पुत्र स्वर्गीय कन्हैया सिंह से जमीनी विवाद चल रहा था। आशंका थी कि कहीं इसी वजह से दोनों को गायब करके उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद आज सुबह उनकी लाश अंबारी में बरामद हुई है। मृतक पति पत्नी के भतीजे शिवांश मौर्य ने थाना अध्यक्ष गजानंद चौबे पर गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा कि अगर सही समय पर थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई की होती तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। शिवांश ने कहा कि थाना अध्यक्ष ने मेरी मदद करने के बजाय मुझे और मेरे परिवार के लोगों को ही धमकाते रहे। ये कितना हास्यास्पद है कि इस जिले में अनुराग आर्य जैसे तेज तर्रार पुलिस कप्तान होते हुए वहां पर एक थाना अध्यक्ष की लापरवाही से आज एक परिवार उजड़ गया। गजानन चौबे पर अक्सर इस तरह की लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। अहरोला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गाजी के एक जमीनी विवाद के प्रकरण में थाना अध्यक्ष पर न्यायालय के विरुद्ध काम करने के आरोप लग रहे हैं। इसकी शिकायत भी SDM बूढ़नपुर के पास पहुंची है। 14 तारीख को हमारे पिताजी और माताजी शाहगंज दवा लेने के लिए गई थी, तो वापस नहीं आए। तो आपने तहरीर दिया है, मुकदमा दर्ज हुआ है? अच्छा, मुकदमा कौन सी धारा में दर्ज हुआ है पता है आपको? 365 अपहरण। क्या अभी फिलहाल क्या अपडेट है, कोई जानकारी हो पाई है? कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बस कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। अभी हमको जिसके जिसका यहाँ आपके जो यहाँ के SO हैं उनसे बात हुई है आपकी? हाँ, क्या बोल रहे हैं वो? वो तो उल्टा ही धमकी उनकी देने लग रहे हैं कि आप मतलब एरिया में नहीं पता लगेगा आपका। अच्छा, तो आप किसके नाम से तारीफ दिए हैं? मकरंदा सिंह और उनकी पत्नी और उनके भाई जो है राम नगीने सिंह। अच्छा, उनसे ये भी नहीं बताया जा रहा कि अभी तक उनसे मतलब फोन पे भी बात हुई है। किस बेस पे आप उनके नाम पे दिए हैं ये? जैसे कि 5 पहले जमीन ली गई थी, तो उसके बाद धीरे धीरे पैसा करके दे दिया गया। अब जब बोला गया कि आप रोक दीजिए उस पर खेती करना, अब हम लोग करेंगे, जब पैसा दे दिया गया है तो बोल रहे नहीं 10 लाख रुपए और दिए और तो तब जाके छोड़ेंगे। ये मामला अभी बीच में है कि 5 पहले ही हुआ? 5 पहले रजिस्ट्रेशन हुई हो गई थी। अच्छा, फिर बीच में कुछ हुआ था, कुछ विवाद हुआ था 10 दिन पहले? 10 एक हफ्ता पहले ही। अच्छा, जब रोका गया कि खेत में मतलब ना बोया जाए तो बोले 10 लाख जब तक नहीं देंगे तब तक जमीन नहीं छोड़ेंगे। थाना अध्यक्ष कब मिले थे? आज मिले थे? 14 थाना अध्यक्ष आज कार्रवाई को लेकर कल भी मिले थे, आज भी मिले थे। क्या बता रहे हैं, क्या कहें? कुछ बता नहीं रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि हमारा बाप 20-22 का एक्सपीरियंस है, हमारे मौसा है कि या फिर भैया ही लगते हैं, उनसे बोल रहे हैं आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आपका यहाँ एरिया में पता नहीं लगेगा। ऊपर हमारे मौसा जो है लखनऊ से UP 32 से आया, तो उनको बोल रहे हैं कि आपको UP 32 से आया, आपको UP 33 बना देंगे ऐसे ऐसे। तो क्या नाम है SO का? नाम तो नहीं पता, गजानन चौबे कह रहे हैं हमको 20-22 का एक्सपीरियंस है, बहुत केस ऐसे देखे हैं, एरिया में पता नहीं लगेगा ऐसा ऐसा धमकी उल्टा SO जी दे रहे हैं, काम करने के कुछ बता भी नहीं रहे कि उनसे अभी जिसके खिलाफ FIR दिया गया उनसे फोन से भी बात हुई है कि नहीं, बस खाली बोल रहे हैं कि हम अपना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश अक्सर देते रहते हैं। जिले के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बहुत सारे प्रकरण में जिस तत्परता और दृढ़ निश्चय से कार्रवाई की वो जिले या कानून व्यवस्था के लिए एक नजीर बन गई, लेकिन अहरोला थाना अध्यक्ष के रवैये ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं क्षेत्रीय सपा विधायक रमाकांत यादव ने कहा कि ये दर्दनाक घटना है, ये लोग 2-3 दिन से लापता हैं।
एरोला थाना अध्यक्ष से परिजनों ने गुहार लगाई, अगर सही समय से थाना इंचार्ज ने एक्शन लिया होता तो इन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये घटना नहीं होती। विधायक रमाकांत यादव ने कहा कि उन्होंने संबंध में पुलिस कप्तान आजमगढ़ से बातचीत की है। पुलिस कप्तान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर थानाध्यक्ष की लापरवाही कहीं भी मिलती है तो उन पर भी कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, पहला तो ये जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना हुई है और बहुत शर्मनाक घटना भी है, और पुलिस की जहाँ तक सवाल है, जो बताया जा रहा है कि 3 दिन या 2 दिन पहले से लोग लापता कर दिए हैं, इसकी सूचना अरोला थाने के इंचार्ज को दी गई, जांच मंगा दी है। गुमसुम जी समोटा लिखे थे, अगर वो इनके लिए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। इस घटना से सब लोग, ये घटना नहीं होती, वो बच जाती है लोग, इसलिए वो लोग जमीन के लिए परेशान थे, जमीन हमारी वापस कर दी जाए। और कोई भी व्यक्ति जब जमीन ईमानदारी से खरीदता है, पैसा देकर इसकी कराता है, तो वापस नहीं करता है। इन परिस्थितियों में उन लोगों ने इस गरीब लोगों के साथ, और ये मौर्य बिरादरी के हैं, ये लोग सीधे साधे होते हैं, इसलिए जो घटना किया उन लोगों ने, ये सोच समझ के किया कि न रहेंगे ना जमीन जाएगी, जमीन हमको भी मिल जाएगी, तो लेकिन जमीन उनको नहीं मिल पाएगी। अभी एसडीएम से बात हुई है, एसडीएम साहब ने भी कहा है, कप्तान साहब भी ने कहा, हम लोग सरकार को लिखेंगे, जो आर्थिक अनुदान होता है उसको भी दिलाया जाएगा मुख्यमंत्री कोर्ट का, और साथ साथ जमीन का जो कागजात है, जो इनके नाम से, जो मृतक के नाम से है, उनके बेटे के नाम 2-3 दिन चाहिए, उनके नाम वापस। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।